हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं IC 555 के बारे में। तो चलिए जानते हैं IC 555 होता क्या है। IC 555 एक टाइमर आईसी होता है, ठीक है। अब इसका हम लोग पिन डायग्राम देख लेते हैं। पिन डायग्राम यह है, इसमें 8 पिन होता है। जो टाइमर आईसी है वो 8 पिन वाला होता है। पहला पिन होता है आपका ग्राउंड, दूसरा पिन होता है आपका ट्रिगर, तीसरा पिन होता है आपका आउटपुट, चौथा पिन होता है रीसेट, पांचवां होता है आपका कंट्रोल वोल्टेज, छठवां होता है थ्रेशोल्ड वोल्टेज, सातवां होता है डिस्चार्ज, आठवां होता है बीसीसी। यह हो गया आपका पिन डायग्राम किसका, IC 555 का, ठीक है। इसका जो है सर्किट डायग्राम हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन जानते हैं क्या होता है इसका। इस फिगर में देखिए, यह होता है आपका IC 555 का सर्किट डायग्राम। यहाँ पे देखिए दो ओपैम लगा हुआ है, इसको हम लोग कहेंगे अपर कंपैरेटर, इसको कहेंगे लोअर कंपैरेटर। जो ओपैम होता है उसको हम ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में कंपैरेटर की तरह यूज करते हैं। यहाँ पे एक लगा हुआ है फ्लिप फ्लॉप RS फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पे लगा हुआ एक ट्रांजिस्टर। यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है जो NPN ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस लगा हुआ है 5 किलो ओम का। यहाँ पे एक 5 किलो ओम, यहाँ पे एक 5 किलो ओम का, यहाँ पे एक 5 किलो ओम का। इसलिए जो IC 555 होता है इसको हम लोग कहते हैं टाइमर आईसी। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है सीरीज में 5 किलो ओम का तीन रेजिस्टेंस लगा होता है। इसको हम लोग इसलिए कहते हैं IC 555। तो पिन डायग्राम में हम लोगों ने देखा कि कैसे पिन होता है। यहाँ पे देखिए, पहला पिन डायग्राम में हम लोगों ने देखा है कि जो ग्राउंडेड है वो पहले पिन पे है, ग्राउंडेड हो गया। दूसरा पिन है आपका ट्रिगर हो गया, उसके बाद तीसरा है आपका यहाँ से आउटपुट हो गया, क्यू बार से हम लोग आउटपुट ले रहे हैं। तीसरा टर्मिनल है, चौथा टर्मिनल है रीसेट का, पांचवा टर्मिनल है कंट्रोल वोल्टेज यहाँ पे है, और छठवां है थ्रेशोल्ड वोल्टेज, और सातवां है डिस्चार्ज, और आठवां है VCC। तो यही है सर्किट डायग्राम IC 555 का। बहुत ही आसान है, सिर्फ यहाँ पे दो लगा हुआ ओपैम जिसको हम लोग एज ए कंपैरेटर यूज कर रहे हैं। अपर कंपैरेटर हो गया, लोअर कंपैरेटर, एक लगा हुआ RS फ्लिप फ्लॉप, एक लगा हुआ यहाँ पे ट्रांजिस्टर NPN ट्रांजिस्टर। जो IC 555 होता है इसका नाम इसलिए रखा गया कि जो रेजिस्टेंस है तीनों वो 5 किलो ओम का तीन रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम रखा गया IC 555। यह हो गया आपका ट्रिगर हो गया, और पांचवा जो पिन है वो कंट्रोल वोल्टेज हो गया, छठवां हो गया आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज हो गया। यह हो गया आपका सर्किट डायग्राम पूरा। इसमें दो टर्म आता है, एक आता है आपका IC 555 एच मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, और दूसरा आता है आपका IC 555 एच ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। सिर्फ सर्किट डायग्राम ऐसे ही रहेगा, कुछ चेंजेज आएगा यहाँ पर, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। IC 555 एज मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और IC 555 एज ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। सर्किट डायग्राम सेम टू सेम यही रहेगा, अंतर सिर्फ इतना रहेगा कि यहाँ पे जब हम लोग मोनो स्टेबल करेंगे तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगेगा, एक कैपेसिटर यहाँ पे लगेगा, और जब हम लोग पढ़ेंगे ए स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर तो वहां पे सीधे सीधे लगेगा एक यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर यहाँ के एक आके कैपेसिटर लगेगा। मतलब मोनो स्टेबल में आपका एक रेजिस्टेंस, एक कैपेसिटर लगेगा, और ए स्टेबल में इसमें दो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगेगा और एक कैपेसिटर यहाँ पे लगेगा। तो हम लोग चलिए देखते हैं IC 555 का अप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ इसका यूज होता है।
तो लाइट डिटेक्टर में इसका यूज है, फिर रेलवे लाइट में इसका यूज होता है, फिर वेव फॉर्म जनरेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट यही है, सबसे ज्यादा यूज एसी में होता है वेव फॉर्म जनरेशन में आईसी 555 का। फिर हो गया आपका वाटर टैंक सारण में, फिर हो गया आपका ब्लिंकिंग एलईडी लाइट्स में, फिर छठवां हो गया आपका गेम पैडल में। इतना सारा यूज, बहुत ज्यादा यूज होता है, अब भी टाइमर आईसी का यूज है बहुत जगह। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा कि आईसी 555 क्या होता है, क्यों इसे आईसी 555 कहते हैं, इसका पिन डायग्राम क्या होता है, इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, और इसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है। यह हो गया इसका सर्किट डायग्राम। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।